घर में बटर कैसे बनाया जाता है दोस्तों, आज हम वही सीखेंगे। बटर दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो हम मलाई को जमा दें दही से, फिर उसके बाद आपको बटर निकालना है। दूसरा तरीका है मलाई से डायरेक्ट बटर निकालने का, वो भी आप निकाल सकते हैं, पर वो क्रीम के रूप में वो स्वाद नहीं रहता है, इसलिए दही से जामुन लगाकर हम मलाई को जमा देते हैं, उसके बाद हम बटर निकालेंगे। देखिए कैसे। मैं साधना, मेरे चैनल साधना टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है दोस्तों। सबसे पहले ये बात होती है कि दूध जो है स्लो गैस में उबालें और उसकी मलाई अच्छा थक्केदार जमेगी। अगर आप छुएंगे नहीं, उसमें से बार बार दूध नहीं निकालेंगे, गैस पे ही ठंडा होने दें। उसके बाद उसको फ्रिज में रख दें। रात भर फ्रिज में रखा रहेगा तो उसकी मलाई एकदम ऐसी रोटी के बराबर जमेगी, आप देख सकते हैं। इसको आप तो छेद वाले चमचे से निकालें, जिससे कि पूरी रोटी जैसी मलाई आराम से निकल आए, और साइड साइड से किनारों पर भी जो मलाई है वो भी उसी चमचे से निकालें, क्योंकि ये मलाई सूख कर वेस्ट हो जाएगी। इससे बढ़िया है आप पहले से निकाल लें। मलाई हमेशा निकाल कर आप फ्रीजर में ही रखें। यहाँ पर हमने मलाई जो है हमारे दो तीन बॉक्स में थी छोटे छोटे में, वो हम सब निकालेंगे फ्रीजर में से। ये देखिए फ्रीजर में से निकली हुई मलाई है, तो अच्छी जमी हुई है। हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है साइड में बर्तन को धोकर, तो नीचे पानी आपको दिख रहा होगा। ये पानी में हम दही का 1 चम्मच इसमें डाल देंगे और मिक्स कर देंगे, और जो जम रही है मलाई उसको भी गलने के लिए थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, या ट्राई करेंगे कि जितना भी हो दही अच्छे से जम जाएगा जी, अगर हमारी मलाई मेल्ट होगी तो। तो ये निकालने की कोशिश में हम लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और दही जब जम जाए 3-4 घंटे में, उसके बाद हम इसका बटर बनाएंगे। देखिए ये दही हमने डाल दिया, और इसको पूरे में हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ऊपर वाला मलाई भी मेल्ट हो जाएगा, तो एक बार चला दें। हमने ढक्कन से ढक के रख दिया। उसके बाद देखिए 4-5 घंटे के बाद की ये रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं दही पूरा अलग ऊपर आ गया है, जमने से बिल्कुल खट्टा हो गया है ये बटर के रूप में, और नीचे की तरफ उसका पानी रह गया है। पर फिर भी हम थोड़ा सा इसको चलाएंगे, जिससे कि अच्छी तरह से पूरा बटर एक जगह इकट्ठा हो जाए और उसका पानी पानी वो अलग रह जाए। वही दही का मठा कहलाएगा। आप उसकी सब्जी बना सकते हैं, कड़ी बना सकते हैं, नीचे जो पानी रह जाए। और बटर को अच्छी तरह से धोकर निकाल लें। पहले आप उसके बटर को आइस डालकर एक जगह इकट्ठा कर लें, उससे ये फायदा होगा कि आपका जो पानी है वो इसमें नहीं रहेगा, और साफ पानी से धो लेंगे तो जमा हुआ बटर अच्छा निकलेगा। देखिए हमने ये बटर इतना सारा निकाला है, ये अभी मेल्टेड है, और इसको हम फ्रीजर में रख देंगे तो पूरा जम जाएगा। फिर उसको नीचे की साइड रखें चलेगा, और इसमें पानी जरा भी नहीं रहना चाहिए, जो दूध दूध जैसा हो। फिर आप इसको ब्रेड पर लगाएं, या पाव भाजी बनाएं उसमें डालें, या और किसी जगह यूज करें। दोस्तों ये बहुत अच्छा बटर है, ये कुकिंग बटर की तरह से भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसमें नमक डाल लेंगे तो आप ब्रेड वगैरह लगाने में भी काम में ले सकते हैं। घर का बटर बिल्कुल शुद्ध होता है, इसमें कोई प्रिजर्वेशन नहीं किया हमने, और आप इसको 15 दिन तक आराम से रखकर खा सकते हैं। फिर उसके बाद बचे तो घी निकाल लीजिए। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ढेर सारे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों।